सभी के पसंदीदा शो मारो राजस्थान का आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका। और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करते हुए बीजेपी की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताते चले। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कुछ ही समय में बैठक होनी है। कुल 65 नामों पर सीईसी की बैठक में चर्चा की जाएगी। आदिवासी अंचल की सीटों पर भी मोहर लगेगी। पहली लिस्ट में 1 से 2 सांसदों के नाम संभव बताए जा रहे हैं। पहली लिस्ट में युवाओं और महिलाओं पर भी फोकस रहने वाला है। तो बीजेपी की ओर से लगातार युवाओं पर फोकस देखा जा रहा है और बीजेपी का दावा भी है कि महिलाओं का सबसे ज्यादा विकास हमने कराया है, महिला सशक्तिकरण में सबसे ज्यादा योगदान बीजेपी का रहा है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट में युवाओं और महिलाओं पर है। कुछ ही समय में इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। दिग्गज नेता वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की बैठक से जुड़ी ये तस्वीरें, कुछ ही समय में चर्चा की शुरुआत होगी। इससे पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी तस्वीरों में नजर आ रही थी। एक कर लगातार वहां पर नेताओं के पहुंचने नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तस्वीरें देखिए जरा, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और सीपी जोशी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कुछ ही समय में बैठक होने वाली है। आदिवासी अंचल की सीटों पर भी मुहर लग सकती है। और सहयोगी लखवीर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज बीजेपी के लिए, दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कौन कौन पहुंचा है अभी और बैठक को लेकर क्या अपडेट, कब तक शुरू होगी? जी बिल्कुल, बैठक में हिस्सा लेने के लिए भाजपा केंद्रीय मुख्यालय पहुंच गए हैं। अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री रहेगा। उससे पहले राजस्थान के तमाम दिग्गज और रणनीति को उधार दे रहे हैं, क्योंकि लगातार होमवर्क किया गया, तमाम एक्सरसाइज की जा रहा है ताकि किसी प्रकार की चूक ना हो और किसी प्रकार की कमी ना हो बैठक से पहले। लेकिन तमाम दर्शकों को हम दे रहे हैं कि इस बैठक में करीब 65 नामों पर चर्चा होगी। ये सबसे बड़ी खबर है कि करीब 65 नामों पर सहमति आज बनेगी, को लेकर आज फाइनल मुहर लग सकती है 65 नामों पर। उसमें किन किन कैटेगरी के लोगों को तरजीह दी जाएगी, उस पर सबसे बड़ी खबर ये कि आदिवासी सीटों पर आज मुहर लगेगी और 1-2 सांसदों को भी टिकट मिलना संभव है। भी आज जो 65 सीटों पर चर्चा होगी उसमें 1-2 सांसदों को टिकट दी जा सकती है। इसके साथ ही महिलाओं पर फोकस, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित होने के बाद जिस प्रकार से पूरे देश भर में महिला सशक्तिकरण की बात सभी सक्षम प्लेटफॉर्म पर रख रही है, इसका असर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कई ऐसी जगह छी गई है जहां पर एन वक्त पर महिला प्रत्याशियों को तरजीह देने की बात की है। जब कल से जो मैराथन बैठक आज फोन भी गए हैं दिल्ली से कि इन महिला प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होने की जरूरत है और जरूरत है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पहली सूची में युवाओं और महिलाओं के मजबूत प्रतिनिधित्व का जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान को लेकर पहली सीईसी की बैठक ये हो रही है। इससे पहले सीईसी की बैठक हुई नहीं है और आज राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है, क्योंकि अब तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपने टिकटों का ऐलान नहीं कर पाई है। लेकिन आज की बैठक के बाद संभावना जताई जा रही है कि पहली आधिकारिक सूची का ऐलान भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर कर देगी। हालांकि क्राइटेरियाज को टारगेट भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक में करने वाली है और टिकट वितरण मुद्दों पर किन साक्ष्यों पर
लेकिन लखवीर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले दावेदारों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन राज्य मंथन किया गया। महामंथन अभी भी आज भी देखने को मिलेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच के बड़ी दे रहे हैं। लखवीर की 65 नामों पर सीईसी की बैठक में खास चर्चा होगी। आदिवासी अंचल पर भी इन सीटों पर मुहर लग सकती है। कौन कौन से समीकरण यहां पर साधने की कोशिश और क्या लग रहा है, किन नामों पर पार्टी अपनी अपना भरोसा जता सकती है आज? जी बिल्कुल, तमाम तरीके का होमवर्क और एक्सरसाइज पूरी कर ली गई है और अब 65 सीटों को चिन्हित किया गया है जो कि आज सीईसी की बैठक में डिस्कस की जाएंगी और उसके बाद फाइनल मुहर भी लग जाएगी और संभावना है कि पहली आधिकारिक जो सूची है वो अगले 48 घंटे के भीतर ही उसकी ऐलान हो जाए और संभावना आज देर रात कल सुबह तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर अपनी पहली सूची का ऐलान कर देगी, क्योंकि 65 सीटों पर पूरा होमवर्क पूरा हो गया है। करीब 65 सीटें आज सीईसी की बैठक में डिस्कस की जाएंगी जिसके बाद उस पर आधिकारिक रूप से पुष्टि हो जाएगी। हालांकि जहां तक सवाल है सियासी समीकरणों को साधने का कि किन किन समीकरणों को साधा गया है और किन किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण में फोकस करने वाली है, तो अगर मुख्यतः मुद्दों की बात की जाए तो युवा और महिलाओं को तो प्रतिनिधित्व देना ही है, युवाओं महिलाओं को तरजीह देनी है। इसके साथ ही तमाम जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में करने वाली है, क्योंकि न सिर्फ 23 का लोकसभा विधानसभा चुनाव पार्टी साधना चाहती है बल्कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी साधना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 2014-2019 दोनों लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में जनता ने दिल खोलकर सीटें दी और 25 की 25 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के झोली में आई है। यही उम्मीद बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी करती है कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसीलिए विधानसभा चुनाव के दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है, तमाम तरीके के प्रयोग नए करने वाली है, तमाम तरीके के नए प्रयोगों के साथ साथ नए फॉर्मूले लागू होंगे टिकट वितरण में भी, क्योंकि युवा महिला तो सधेंगे। इसके साथ साथ जातिगत आधार की अगर बात करें तो ओबीसी को मुद्दा बीजेपी बनाने वाली है और ओबीसी को बहुतायत संख्या में टिकट दिए भी जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि पूर्वी राजस्थान का जो बेल्ट है उसमें पिछली बार गुर्जर समुदाय भारतीय जनता पार्टी से छिटका तो उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा और पूर्वी राजस्थान में अच्छा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला नहीं। ऐसे में अब बीजेपी का फोकस होगा कि न केवल पूर्वी राजस्थान बल्कि पूरा ओबीसी तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे राजस्थान भर से साथ आए और इसके लिए बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण में ओबीसी कैंडिडेट ज्यादा हो सकते हैं और निश्चित तौर पर 23 के साथ साथ 24 पर भी नजर है, क्योंकि 23 को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और महिलाओं को चूंकि ज्यादा आप बता रहे हैं कि टिकट दिए जा सकते हैं। महिलाओं की अगर वोट प्रतिशत की बात करें लोकसभा चुनाव में तो वो बढ़े हैं 2014 के मुकाबले 2019 में 36% तक, तो ऐसे में निश्चित तौर पर बीजेपी महिलाओं पर महिलाओं का विश्वास जीतने पर ज्यादा फोकस्ड है और युवाओं पर तो पहले से ही फोकस्ड है क्योंकि बीजेपी का कहना है कि हम युवाओं को ज्यादा मौका देते हैं। लेकिन अब कहा यह भी जा रहा है लखवीर की पहली लिस्ट में 2 सांसदों के नाम भी संभव है, क्या इसे लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है, कौन है वो सांसद और क्या कुछ केंद्रीय नेतृत्व उनके ऊपर भी पार्टी भरोसा जता सकती है, आज उन लिस्ट में उनके नाम भी शामिल हो सकते हैं? देखिए प्रियंका, फिलहाल संशय की स्थिति है, अभी जो खबर हम ब्रेक कर रहे हैं वो किसी के पास भी नहीं है कि 65 नामों पर सहमति आज बनेगी और 1-2 सांसदों को टिकट भी मिल सकती है। हालांकि ये नाम कौन होंगे ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि किस किस व्यक्ति पर किस किस नेता पर पार्टी भरोसा जता सकती है, लेकिन जिस प्रकार से आदिवासी अंचल की बात निकलकर सामने आ रही है तो ये ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सांसद किरोड़ीलाल मीणा या फिर उनके परिवार में से किसी व्यक्ति पर भरोसा इस पहली सूची में ही जताए और उनको या उनके परिवार से किसी व्यक्ति को टिकट दे। वहीं जहां तक बात केंद्रीय नेतृत्व की है तो कोई बड़ी बात नहीं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी राजस्थान में टिकट मिल जाए, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हों, अर्जुन राम मेघवाल हों, कैलाश चौधरी हों, इन तीनों नेताओं पर भी पार्टी एक्सरसाइज कर रही है केंद्रीय स्तर पर कि केंद्रीय जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने भी तमाम तरीके के सर्वेस करवाए हैं राजस्थान में कि इन तीनों केंद्रीय मंत्रियों को अगर राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़वाया जाता है तो उसका असर कैसा हो। हालांकि जहां तक बात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की है तो वो सूबे की सबसे बड़ी हॉट सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं अगर विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो। उनको भारतीय जनता पार्टी देखना दिलचस्प होगा कि जब बीजेपी की पहली लिस्ट आती है तो किस पर बीजेपी भरोसा जताती है, आप नजर बना रखिएगा।